कवर्धा के एकमात्र शासकीय स्वामी करपात्री जी स्कूल में एडमिशन के लिए मारामारी चल रही है। एडमिशन नहीं मिलने से नाराज ग्रामीण छात्रों और बीजेवाईएम कार्यकर्ताओं ने स्कूल के मेन गेट को बंद कर स्कूल परिसर में नारेबाजी और स्कूल प्रबंधन से छात्रों को एडमिशन देने की मांग की। छात्रों ने आरोप लगाया है कि वो ग्रामीण क्षेत्र से पढ़कर आए हैं, इसलिए उन्हें शहर के स्कूल में एडमिशन नहीं दिया जा रहा है। वहीं स्कूल प्रबंधन का कहना है कि शहर के 3 स्कूलों को स्वामी आत्मानंद स्कूल में बदला गया है, जिस कारण शहर के बच्चों को ही एडमिशन देने में दिक्कत आ रही है। शहर के स्कूल में पढ़े बच्चों को एडमिशन दिए जाने के बाद ही बाकी बच्चों के लिए विचार किया जाएगा। बच्चों का एडमिशन नहीं हो रहा है, मुख्य कारण यही है। सभी क्लासों में बच्चों का एडमिशन नहीं हो रहा है। अगर आप कवर्धा शहर के नहीं हैं तो आपको करपात्री विद्यालय में एडमिशन नहीं मिलेगा, ऐसा प्राचार्य सर का कहना है, ऐसा डीओ सर का कहना है। और इसके अलावा आप यहाँ देखेंगे कि कवर्धा नगर में ही 3 स्कूल थे पहले, जो नवीन विद्यालय और गर्ल्स स्कूल, ये सारे सबको इनको आत्मानंद बना दिया गया। आत्मानंद के लिए एक अलग से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना चाहिए था, जबकि वहाँ 1500-1500 2000 बच्चे रेगुलर एडमिशन ले रहे हैं, वहाँ के बच्चे कहाँ जाएंगे। वर्तमान में 3 स्कूल जो है स्वामी आत्मानंद हो जाने के कारण सामान्य तौर से एक ही स्कूल बचे हैं मुख्य बच्चों के लिए, और अब प्राथमिकता के क्रम से इन मतलब कक्षाओं में एडमिशन उनको दिए जा रहे हैं।